दोस्तों सब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने तो ऑलरेडी मुनव्वर को विनर डिक्लेयर कर दिया है। अगर कौन है ये एक्स कंटेस्टेंट और भाई क्यों अभी से ये मुनव्वर को विनर डिक्लेयर करना चाहते हैं और कौन है इनके अकॉर्डिंग टॉप टू, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदो। आपको बता रहे दोस्तों कि ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं, ये जो दो नाम बताए जा रहे हैं इन एक्स कंटेस्टेंट की तरफ से, वो नाम एक नाम तो मुनव्वर का है ही, लेकिन मुनव्वर का इस समय जो जलवा चल रहा है या फिर जो क्रेज चल रहा है ना, उसकी तारीफ करना तो बनता ही बनता है। बिकॉज जिस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ के बारे में ओपन अप हो गई एक शो के अंदर, और फिर भी मतलब बोलते हैं ना कि अभी भी लोग टारगेट करना नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी लोग हिसाब से गैंगअप करते हुए आ रहे हैं सामने, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और क्लियर कट विजिबल है, लेकिन फिर भी मुनव्वर अपनी तरफ से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना गेम दिखाने में। और शायद यही वजह है कि भाई ये बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट्स को पसंद आया, उसमें से एक नाम आप जोड़ लीजिए, वो नाम है राजीव दातिया का। अगर आपको याद हो भाई, राजीव एक एंटरटेनर कह सकते हो आप, स्टार एंटरटेनर, जिनकी वजह से मतलब समझ लो शो में चार चांद लगते थे, मतलब कॉमेडी इतना करते थे। और इन्होंने प्रिडिक्ट किया है दो नाम, एक नाम है मुनव्वर का और दूसरा नाम है अभिषेक का। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट करके बहुत क्लियरली ये बात लिखी है कि अगर कोई जीतना डिजर्व करता है और बिग बॉस में अकॉर्डिंग टू मी द टॉप टू आर अभिषेक एंड मुनव्वर, बिकॉज इनके अलावा और कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग दिख भी नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, सिर्फ राजीव ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही लोग डिजर्व करते हैं, या तो मुनव्वर या तो अभिषेक। अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से कौन शो जीतता है या फिर कौन विनर होता है, लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।